अपने आटा गुन लिया। इधर अपने देसी घ्यो भी गर्म कर लिया। एक आटा गुन्ने अपने सिंपल, क्योंकि उदम कहिंदा मैं मेथे वाले परांठे नहीं खाऊंगा, कहिंदा मैं तो अपना आलू वाले परांठे खाऊंगा। मम्मा लो जी हुण मम्मी बनाएंगे परांठे मेथियां वाले, फिर आपां दही नाल खावांगे।
इन्हें अपना नॉन स्टिक तवा लिया होगा, इन्हू सानू कड्ढे नू हफ्ता 10 दिन होए ने हजे, मम्मी इसी तवे ते फिर रोटी बनाते हैं हुण हर रोज़। देखो तवा किन्ना ज़्यादा खराब हो गया, यह सारा यदा जिहड़ा उपर पेंट जिहा करिया होया सीगा सब उतर गया। आपां कहते दिंदे वी नॉन स्टिकी भांडे बर्तन जिहड़े वधिया हुंदे ने, पर मैं नहीं कहिंदी वी वधिया हुंदे ने। वैसे मैं भी वधिया ही कह के लियाई सीगी, पर देखो थोड़े सामने ही है। तीन हज़ार 3500 का नुकसान हो गया अपना, क्योंकि जिहड़े भांडे अपने कढ़े ने जदों कढ़ांगे फिर वह भी इदां ही खराब हो जाएंगे। चिमटा भी लाया तेन मम्मी कहते, मैं तो चिमटा भी लाया इनू, इदा ही मम्मी रोटी थल लैने हूँ। आप दूजे पासे तो घ्यो लगा लाँगे देसी। लो जी मेथे वाले परांठे तो अपने पास बन गए, थोड़े जे होर बना लेंगे। इधर अपने आलू रखे हुए ने, आलूआं दा बेड़ बना के, तो इधर मम्मी बिचे आलू वाले परांठे बना रहे, क्योंकि उदम कहिंदा मैं मेथे वाले परांठे नहीं खाने दादी मम्मा, मैं तो आलू वाले खाऊंगा, इस करके फिर ये अपना उदम वास्ते आलूआं दे परांठे बना रहे हैं हुण। धुप्प भी चाढ़े आई, बस बाहर का मौसम भी साफ होने लग गया, हजे तक असि अज बाहर निकले हो नहीं है। हाँ भी उधम क्या कर रहे हैं? लो जी सरदार जी भी आ गए, चलो आज खाओ रोटी। चल कोई नहीं, अंकल ही खेत में लेके जानी। लो ही पता नहीं उरी होनी
और तो नहीं कुछ लेना? अंकल जी रोटी पैक करनी है। मम्मी टिफिन ले आया था, अंकल जी रोटी पैक करनी है। सही बात है। चावल का मसाला तैयार करता।